शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इरादा तो ठीक है ना आपका? अब मैं इस जेल के अंदर दोबारा नहीं आऊँगा। उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने। सामने खड़ा है ना, उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? रूपा तुम्हारी बहन है। दे शिवा पर मोहे, शुभ कर्म से कभू ना हटूं, ना डरूं बैरी सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दरवाजा बंद कर लो, लॉक द डोर। सर, इरादा तो ठीक है ना आपका? अगर मेरा इरादा गलत होता तो दरवाजा लॉक मैं करता। देखो, तुम जानती हो मैं हूँ एडिटर बड़ा सख्त, क्योंकि मेरा बॉस है मिस्टर वक्त, टाइम से चलना चाहिए। जानती हो तुम, हमारी नौकरी जाने वाली है। क्या? बैठो। देखो, तुम्हें मालूम है कि बॉम्बे टाइम का बुरा टाइम चल रहा है, चारों तरफ घाटा ही घाटा है, इसलिए 100 आदमी को नौकरी से निकाल देने की लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। सबसे पहले या आखिर में? ओहो, बीच में हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं एमडी साहब से टेलीफोन पे बात करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर, ये लीजिए, जल्दी बात कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इसका टाइम नहीं फिक्स हुआ। नो। कब करेंगे सर, नौकरी चले जाने के बाद? मैं तुम्हारी सिफारिश एमडी से तब कर सकता हूँ जब तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आओ, कोई ऐसी खबर लेकर आओ कि जिससे हंगामा मच जाए। सर, रोज रोज थोड़ी बम ब्लास्ट होता है, रोज थोड़ी कोई बड़ा आदमी मरता है। ओहो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यस, फाइल फाइल। ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वजह से कल ये रिहा हो रहा है। देखो, सर, ये तो शक्ल से ही रेपिस लगता है। अदालत का भी यही मानना था, लेकिन लड़का आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, निर्दोष है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलात्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया। अब बाहर आते ही ये लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा, या वो इससे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी दो मुजरिम वो थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है। हाँ सर, बनती तो है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये लड़का सचमुच निर्दोष है तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना। अगर ये लड़का निर्दोष था तो असली गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, अगर ये लड़का निर्दोष नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे। इसलिए अगर हम लड़के पे नजर रखें तो हमको असली गुनहगारों का पता लग सकता है। क्या सोच रही हो? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा। इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है, अब इस लड़के का पीछा मुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। करूंगी सर। तुम जाओ, रोटी रोजी। अजय, आज तुम रिहा हो रहे हो, बाहर कुछ नहीं बदला है, दुनिया आज भी वैसी है जैसे तुम 4 साल पहले छोड़कर आए थे। मगर इन 4 सालों ने मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब, मेरे नाम के साथ एक और लफ्ज छुड़ गया है, मुजरिम। मगर फिर भी मैं तुम्हें दोबारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, कम से कम इस जेल में तो हरगिज नहीं। फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, अब मैं इस जेल के अंदर दोबारा नहीं आऊंगा, कम से कम बेगुनाह बनकर तो हरगिज नहीं।
अरे गणेश, आइला, ये स्कर्ट आधा मीटर भी नहीं होगा रे। नहीं रिपोर्टिया, आधा मीटर तो जरूर होगा। क्या बात कर रहा है, 50 रुपए की लगी? चल लगी। बुरा नहीं मानना, मेरे को तुम्हारी स्कर्ट का माप लेना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चल निकल। क्यों बे, हीरो बनते हो? राह चलती हुई लड़कियों के स्कर्टों के नाप लेते हो? मैं तुम दोनों को कानून का नाप बताता हूँ। पकड़ो इसे, ले चलो इन्हें थाने। अच्छा हुआ। चल बे चल। ए रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर कहाँ है तुम्हारा? जवाहर नगर। जवाहर नगर? जवाहर नगर तो मेरा ही इलाका है, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी मैं 4 साल बाद घर जा रहा हूँ। क्यों, 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था। क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया? क्या बोले तुम? मैंने कहा ना, मैं जेल में था। किस जुर्म में अंदर गए थे? क्या पूछ रहा हूँ मैं, किस जुर्म में अंदर गए थे तुम? रेप केस में। अच्छा, बलात्कार। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है, खास तौर पर मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वालों से। मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, मुझसे बच के रहना। फिर दोबारा किसी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पांव है ना, तोड़ के रख दूंगा। जाओ, सुना नहीं, जाओ यहां से। साल बाद बेटा घर लौटा है और आप? देश के लिए कोई जंग जीत के नहीं आए जो मैं इसका स्वागत करूं। इसने मेरा, तुम्हारा, अपनी बहन का, सबका मुंह काला कर दिया है। देख, देख इसे, तेरे कारण इसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। लोग ताने मारते हैं इसको, जुमले कसते हैं इस पर। जा, चला जा यहां से। बड़ी मुश्किल से हमारे जख्म भरे हैं, उन्हें मत कुरे, मत कुरे दुने। जा। ए भाई, चलना साइड में खड़ा हो। पता नहीं दिन में भी क्या क्या सपने देखते रहते हैं। तुम? अरे क्या चाहिए? जी, यहाँ मेरे, मेरा मतलब है चौहान साहब रहते थे। कौन चौहान साहब? जी वो। वो? अच्छा, कहीं तुम उस स्कूल मास्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? उन्हें मरे हुए तो 4 साल हो गए। यही तो गले में रस्सी डालकर झूल गए थे वो। की पत्नी और बेटी, उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने। घर का भाड़ा कहाँ से चुकाते? घर से निकाल दिया मकान मालिक ने। 8-10 दिन तो यहीं पड़े रहे बेचारे सड़क के किनारे, और फिर एक दिन किसी शराबी ने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ चले गए। और तुमने तो ये बताया नहीं कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो।
मैं चौहान साहब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो जिसकी वजह से सारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। अरे इतनी ही प्यास लगी थी तो किसी बाजार में जाके बुझा लेता। मासूम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की क्या जरूरत थी? चल दफा हो जा यहाँ से। देखो बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कब तुम अपनी गहरी नींद से जागोगी बेटा? कब तुम अपने डैडी से बात करोगी? तुम्हारा मुजरिम सजा काट कर बाहर आ चुका है बेटी, लेकिन जो सजा उसने काटी है वो बहुत कम है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक वो इस धरती पर है, मैं हर पल उसके किए की सजा उसे देता रहूंगा। लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा सर। ऐसी झोपड़पट्टी में मुजरिम को दिन में ढूंढना नामुमकिन होता है। रात को कहां से ढूंढेंगे? मेरे ख्याल से हम लोग यहां से निकल पड़े। आखिर गया कहां? सर, एक कुत्ते पुलिस वालों को देख के क्यों भौंकते हैं? सामने खड़ा है ना, उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? अच्छा चलो चलो। मां,
मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तब भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर हूँ। माँ मैं तेरी कसम खाता हूँ, माँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, मेरा खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता। माँ मैं तो उस दिन इंटरव्यू के बाद मंदिर गया था देवी माँ के दर्शन करने, बस वही। बस बस बेटा, मैं सब जानती हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तू मंदिर गया था देवी की पूजा करने के लिए और देवी माँ ने तुझे चुन लिया उन लोगों को सजा देने के लिए जो औरत को औरत नहीं समझते, पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। तेरे पिताजी लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सके और करने भी कैसे, जो बेटा उनकी जान था, जिस पर उन्हें गर्व था, उसी के बारे में लोग इतनी गंदी और गिरी हुई बातें करें। उन्होंने जान दे दी। तू जानता है मैं क्यों जी रही हूं? एक दिन तू लौट कर घर आएगा और उन शैतानों को सजा देगा जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अपने बाप के नाम पर, माँ की कोख पर और खुद अपने माथे पे लगे कलंक को धोएगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं उन्हें ढूंढकर सजा दूंगा। इस दुनिया और समाज के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा मैं। अजय, मैं आज के बाद तेरा मुंह उस दिन देखूंगी जिस दिन। बस माँ, माँ छुट्टी कहाँ है? छुट्टी बताती हूँ। डॉक्टर साहब मेरी बहन है यहाँ पर, छोटी। छोटी? कौन छोटी? रूपा चौहान नाम है उसका। रूपा? रूपा तुम्हारी बहन है? मगर उसका भाई तो। हाँ डॉक्टर साहब, रूपा का भाई मैं नहीं, अजय। ये 4 साल से यहाँ पर नहीं था ना, तो इसकी जगह भाई का फर्ज मैं निभा रहा था। कब आया तू? कल। कैसा है? छोटी को क्या हुआ? अजय खुद अपनी आंखों से देख ले। तुम लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, मैंने अपने शादी के कार्ड सबको बांट दिए, बस एक तुम लोगों को ही देना भूल गई। देखो तुम लोग भूलना नहीं, आओ जरूर आना। तुम लोग आओगे ना, लो तुम भी लो, तुम भी लो और तुम भी लो। देखो तुम लोग जरूर आना, हाँ बहुत मजा आएगा। मेरे भैया ना बड़ी धूमधाम से मेरी शादी करने वाले हैं। तुम जानती हो वो शहर गए हैं, मेरे लिए शादी का जोड़ा लाएंगे, मेहंदी के पैकेट लाएंगे और ढेर सारी चूड़ियाँ भी लाएंगे। यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ पहनूंगी और पता है कौन सा गाना गाऊंगी? मेरे हाथों में नाना। अरे तुम क्यों रो रहे हो? समझ गई, लगता है तुम्हारी बहन की भी शादी होने वाली है। मुझे पता है बहनों की शादी में भाई बहुत रोते हैं। मेरे भैया भी कहते थे कि मैं तेरी शादी में बहुत रोऊंगा। ये लो मेरी शादी का कार्ड, देखो तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। हाँ और अगर मेरे भैया रोए तो उन्हें रोने मत देना। मत छुओ मुझे, मुझे सिर्फ मेरे भैया छू सकते हैं, तुमने कैसे छुआ मुझे? रूपा, रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी शादी के कार्ड बांट रही थी। रूपा अपनी शादी के कार्ड कोई खुद थोड़ी बांटता है, लाओ मुझे दे दो, मैं बांट दूंगा। और तुम चलो, तुम्हारा दवाई पीने का टाइम हो गया है, तुम दवाई पी लो। अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, चलो चलो चलो। बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए, मां घर से झोपड़े में पहुंच गई और छोटी छोटी पागलखाने। ये सब देखने के बाद तो
पूजा से मिलने की हिम्मत ही नहीं होती। पूजा के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम चाहो भी तो उससे मिल नहीं सकते। हाँ अजय, पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? तुम्हारे जेल जाने के बाद उसके डैडी उसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे के साथ करना चाहते थे, और तुम तो जानते हो पूजा तुमसे कितना प्यार करती थी, जान दे दी। हराम साधे, मेरा 2 करोड़ का माल तुम लोगों ने गवा दिया। कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने इतनी हिम्मत की? कौन था? कौन है आप? शक्ल से इतने नासमझ तो नहीं लगते हो तुम। तुम्हारा एक आदमी अस्पताल में मरने से पहले, डरो नहीं, उसने सिर्फ इस जगह का पता बताया है, तुम्हारा नाम नहीं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बच गए, वरना यहां आने की बजाय मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में बुलवाता। और पुलिस स्टेशन में मुजरिमों के साथ किस तरह से पेश आता हूं मैं, ये किसी मुजरिम से ही पूछकर देखना। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं मुजरिम नहीं बिजनेसमैन हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूं। कारोबार? ठीक कहा तुमने, मौत खरीदते हो तुम और मौत बेचते भी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन एक बात याद रखना, समझे नहीं इंस्पेक्टर? शायद तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारे सारे खानदान को। तुम्हारी मां चंपा बाई के कोठे पर मुजरा करती थी, और तुम्हारा बाप बच्चों की वाड़ी का मशहूर भड़वा था। सच कड़वा लगा ना? इंसान का इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं कि उसकी जुबान को रोकने के लिए उसकी सांस को बंद करना पड़े। ये तमाचा मैंने तुम्हें अपनी वर्दी की क्रीज खराब करने के लिए मारा है, और याद रखना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना, क्योंकि मौत के सौदागरों को ज्यादा दिन जीने की मोहलत नहीं देता मैं। मरेगा मरेगा ये हरामजादा मेरे ही हाथों से। माँ, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। तुमने ही उस लड़के को एक दिन पहले जेल से रिहा करवाया। मैं तो वहां ठीक 9 बजे पहुंच गई थी, लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया। अब तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ माँ, इतने बड़े शहर में मैं उस मवाली को कहाँ ढूंढती फिरूंगी? हे माँ, एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। उसकी आर्टिकल में मैं तेरा भी जिक्र करूंगी। भाई, ये तो वही रेपिस्ट है। वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। अम्मा, मैं तेरा शुक्रिया तो बाद में करूंगी, पहले अपनी रोजी रोटी का तो बंदोबस्त कर दूं। अरे, इतना बोझ मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं उठाया। कमर टेढ़ी हो गई। और फाइल्स उठाकर लाने के लिए मुझे मत बोलना भाई। मैं और फाइलें लाने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं उनमें से रेप केस के आर्टिकल्स गायब हैं। लगता है तेरी जिंदगी में कोई और भी दिलचस्पी ले रहा है। बड़ी जोरों की भूख लगी है भाई, पहले तो पेट पूजा करो, उसके बाद है दरवाजा खुला है, मैं गलती से ताला लगाए बिना तो नहीं चला गया? तो
तूने ताला मेरे सामने लगाया था। इसका मतलब चोर हाथ साफ कर गया। चोर हाथ साफ होता क्यों है? चल अंदर चल चल। वाह क्या खुशबू है। जल्दी कर दी वरना मैं स्वीट डिश भी बना लेती। कौन हो तुम? ओह सॉरी मेरा नाम रितु है। मेरा नाम गोपाल। ये सारा खाना तुमने हम दोनों के लिए बनाया है ना? आप दोनों के लिए नहीं हम तीनों के लिए बनाया है। ओह ये कटिंग्स तुमने लगाई है यहाँ? हाँ सोचा था तुम्हारे काम आएंगी लेकिन बातें बाद में पहले खाना ओके। हाँ चलो। कौन हो तुम? ब्रदर ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है। ए मिस्टर हाथ छोड़ के बात करो। मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें 4 साल के लिए रेप केस के जुर्म में अंदर कर सकती है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ समझे? नहीं नहीं सिस्टर ऐसा कदम मत करना। तुम तो अच्छी लड़की लगती हो। वो तो मैं हूँ ही इसीलिए तो यहाँ आई थी इसकी मदद करने। मगर ये तो हाथ पकड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये मेरी अपनी जंग है उसे लड़ूंगा भी मैं ही। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो लेकिन इस जंग में अगर तुम्हारा कोई साथ देना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना?